बाल साहब का जो है ना मुजस्मा लग रहा है, तो यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो ये है इनका ओल्ड टाउन स्क्वायर। ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, मेट्रो से लग रहे हैं कि पेंटिंग है लेकिन ओरिजिनल में घर है। गुड मॉर्निंग, वर्सोवा में मेरा पहला दिन है और यहाँ पे इन सब के बकौल सिटी सेंटर के अंदर ही अकोमोडेशन लेनी चाहिए, तो मैंने इस दफ़ा सिटी सेंटर के अंदर ही अकोमोडेशन ली है। उसका ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारी प्लेसेस होती हैं, आपको बाई वॉक एक्सेसिबल होती हैं। और जहाँ तक ट्रेन का रहा सफ़र, काफ़ी अच्छा था। और इनकी ट्रेन में साइड पे एक गैलरी सी बनी हुई थी, वहाँ पे आप जाके खड़े हो सकते हैं, अपनी लेग स्ट्रेच कर सकते हैं और वहाँ पे बाहर का जो नज़ारा होता है वो भी कर सकते हैं। और वैसे तो ट्रेन नॉर्मल थी लेकिन ये गैलरी जो थी ये काफ़ी मुझे अच्छी लगी है। और इमिग्रेशन नहीं हुआ, तो जैसे ही हम पोलैंड में इंटरव्यू हुए किसी तरह का कोई इमिग्रेशन नहीं हुआ, तो बगैर इमिग्रेशन पोलैंड में आ सकते हैं। पोलैंड का कैपिटल है वर्सोवा और इसकी पॉपुलेशन है 1.86 मिलियन। यहाँ की करेंसी है पोलिश सोल्टे। इसने 2004 में ईयू को ज्वाइन किया था और 2007 में शेंजन को, और इसके साथ 6 कंट्रीज़ के बॉर्डर लगते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया, अगर आप पैन केक लवर हैं तो यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है, हाईली रिकमेंडेड। पता नहीं मुझे क्यों ये इलामा इकबाल साहब का जो है ना मुजस्मा लग रहा है, आई डोंट नो, तो उनका नहीं लेकिन शक्ल काफ़ी मिलती है उनके साथ। जो बस आ रही है इसकी दूसरी साइड पे मेरा हॉस्टल है, बिल्कुल सिटी सेंटर के पास है और केयर के पास है। ये है इनका ओल्ड टाउन स्क्वायर और वर्ल्ड वार टू में ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। बाद में यहाँ के लोगों ने 18 सेंचुरी की पिक्चर्स से जो है ना इसको रिस्टोर किया, तो अभी भी ऐसे लग रहा है कि ये वाले जो घर हैं बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि पेंटिंग है लेकिन ओरिजिनल में घर हैं। तो अमेजिंग, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ और स्क्वायर के ऊपर एक फोटोग्राफर खड़ी है, ये आपकी पिक्चर बनाती और फौरन से प्रिंट हो जाती है, तो प्रिंट होने के बाद ये पिक्चर ऐसे कुछ दिखती है। अब इसके नीचे सारी पॉलिश लिखी है, मुझे पता नहीं है क्या मेंशन है। ये है इनके प्रेसिडेंट का पैलेस और उसके सामने ये स्टैचू लगा हुआ है घोड़े वाला।
वर्षाओं का मौसम थोड़ा ठंडा है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि मैं अभी जर्मनी से आया हूँ तो वहाँ पे मौसम बिल्कुल नॉर्मल था, और यहाँ पे तो मैं स्वेटर पहने हुए फिर भी मुझे सर्दी लग रही है। पता नहीं यहाँ का शायद मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, जर्मनी में अभी इतनी ठंड नहीं पड़ी। ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, मेट्रो भी है, यहाँ पे बसेस भी हैं और यहाँ पे ट्राम भी है, तो इनका जो है ना मेट्रो सिस्टम जाके चेक करते हैं कि कैसा है। देखने में तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे दो मशीन लगी हुई हैं, इसके अंदर से आप टिकट बाई कर सकते हैं, अगर इसको कैंसिल करते हैं तो इसके अंदर लैंग्वेज सेलेक्ट करके टिकट बाई कर सकते हैं, तो इस कार्ड के थ्रू अपना जो मेट्रो का कार्ड है वो रिचार्ज कर सकते हैं। तो जाते हैं देखते हैं, मेरे पास ऑलरेडी टिकट है 24 आवर वाली, देखते हैं। ये मशीन चली नहीं रही, सारा ग्रीन कलर के अंदर इन्होंने बनाया हुआ है। इवन इन्होंने जो है ना यहाँ पे जो बेंचेस हैं वो भी ग्रीन में ग्रीन कलर में की हुए हैं। सबवे के स्टेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इन्होंने डिफरेंट स्टेशन को डिफरेंट कलर ग्रेडिंग के साथ सजाया हुआ है, आप कह सकते हो। ये ब्लू है, इससे पिछले वाला पिंक था और इससे पिछले वाला ग्रीन था। अब इस स्टेशन की ना उन्होंने ग्रे कलर कोडिंग की हुई है, यहाँ पे जो बेंच हैं वो भी ग्रे हैं और साइड पे जितनी वॉल्स हैं वो भी ग्रे में इन्होंने की हुई है।